गुड मॉर्निंग। टुडे वी स्टडी सोशल स्टडी क्लास थर्ड लेसन नाइन्थ। टॉपिक है प्लेसेस ऑफ इंटरेस्ट। यहाँ के देखने लायक जो कौन कौन से स्थान है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। दिल्ली इज ऑफन रेफर्ड टू एज द सिटी ऑफ मॉन्यूमेंट। दिल्ली को स्मारकों के शहर के नाम से भी जाना जाता है। दीज आर सम ऑफ द फेमस प्लेसेस। यहाँ के कुछ प्रसिद्ध हम प्लेसेस स्थानों के बारे में पढ़ेंगे। द रेड फोर्ट लाल किला इज द वन ऑफ द मोस्ट फेमस हिस्टोरिकल बिल्डिंग इन इंडिया। हमारे भारत की यानी कि दिल्ली की सबसे अधिक प्रसिद्ध ऐतिहासिक बिल्डिंग है लाल किला। इट वॉज बिल्ट बाय द इसको बनाया था मुगल सम्राट मुगल एम्पायर शाहजहाँ ने इसको बनाया था। इट इज़ मेड अप ऑफ रेड सैंडस्टोन। यह लाल पत्थर से बना हुआ है। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो हमारे भारत के राष्ट्रपति है वो यहाँ पर रहते हैं राष्ट्रपति भवन में। ओके और द सेक्रेटेरिएट बिल्डिंग सचिवालय मैनी इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट ऑफिस। यहाँ पर बहुत अधिक जो इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण सरकार का ऑफिस है। कुतुब मीनार सबसे टॉल टावर सिचुएटेड इन मेहरौली। मेहरौली दिल्ली के मेहरौली में स्थित है और सबसे लंबा टावर है। इंडिया गेट द हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट। इंडिया गेट हमारा ऐतिहासिक स्मारक है। बुल्ट ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल ये अंग्रेजों के समय इसको बनाया गया था। जंतर मंतर जामा मस्जिद एंड ओल्ड रेड फोर्ट और पुराना किला आर सम ऑफ द अदर फेमस मॉन्यूमेंट। ये भी सब अधिक प्रसिद्ध सबसे प्रसिद्ध यहाँ के स्मारक हैं। ये जंतर मंतर ये इंडिया गेट है ये जामा मस्जिद है। ओके नेक्स्ट है ट्रांसपोर्ट। दिल्ली इज़ ए गुड नेटवर्क ऑफ ट्रांसपोर्ट। दिल्ली में सबसे अच्छा नेटवर्क है यातायात का। द नॉन पॉल्यूटिंग कॉम्प्राइज नेचुरल गैस यहाँ पर जो पॉल्यूशन नहीं फैलाती उसका उपयोग किया जाता है। बसेज रन थ्रू द सिटी शहरों में इसी के थ्रू बसें चलती है सीएनजी के थ्रू। ड्यू टू कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्लाईओवर्स एंड मॉडर्न ब्रिज एंड द दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन DMRC द ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इन दिल्ली हैज़ इम्प्रूव। यहाँ पर मेट्रो रेल चलती है फ्लाईओवर्स और मॉडर्न ब्रिज बने हुए हैं। द दिल्ली मेट्रो इज़ एन इकोनॉमिकल एंड इको फ्रेंडली मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। ये हमारे लिए आर्थिक और इको फ्रेंडली भी है ये यातायात का साधन है। द इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज़ लोकेटेड इन द साउथ वेस्ट दिल्ली। इंदिरा गांधी जो अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है वो भी साउथ वेस्ट में दिल्ली के स्थित है। हेडक्वार्टर है ये नॉर्थन रेलवे का। हमारे नॉर्थन रेलवे का जो हेडक्वार्टर है वो दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट ये अनस्क्रैम्बल वर्ड है ये इंडिया गेट की स्पेलिंग है। ये रेड फोर्ट ये कुतुब मीनार और ये पार्लियामेंट। ओके लाइफ इन दिल्ली। अब हम पढ़ेंगे कि बार यानी कि दिल्ली में इनका जनजीवन कैसा होता है। पीपल कम फ्रॉम अदर स्टेट्स टू सेटल इन दिल्ली। लोग दूसरे स्टेट राज्यों से आकर दिल्ली में सेटल हो जाते हैं और दे फॉलो देयर ओन कल्चर एंड कस्टम। वे अपने अपने रीति रिवाज और संस्कृति का फॉलो करते हैं। दिस इज़ वाई दिल्ली इज़ ऑल्सो कॉल्ड मिनी इंडिया। और इसी कारण से दिल्ली को हम मिनी इंडिया भी कहते हैं। हिंदी पंजाबी उर्दू और इंग्लिश ये सभी भाषाएँ पॉपुलर लैंग्वेज है प्रसिद्ध भाषाएँ यहाँ पर बोली जाती हैं। और दिल्ली इज़ फेमस फॉर इट्स स्ट्रीट फूड। और दिल्ली यहाँ पर स्ट्रीट फूड के लिए भी जाना जाता है। नेशनल फेस्टिवल सच ऐसे जैसे कि रिपब्लिक डे गणतंत्र दिवस इंडिपेंडेंस डे स्वतंत्रता दिवस और गांधी जयंती आर सेलिब्रेटेड विथ मच एंथुसियाज्म इन दिल्ली। ये सारे फेस्टिवल यहाँ पर मनाए जाते हैं। ऑन रिपब्लिक डे यानी कि गणतंत्र दिवस पर ये ग्रैंड परेड होती है यहाँ पर ऑन द राजपथ पर। और प्रेसिडेंट जो होता है हमारे इंडिया का होस्ट द नेशनल फ्लैग राष्ट्रीय जो तिरंगे झंडे को होस्ट करता है फहराता है एंड टेकन द सैल्यूट और सभी इसको सैल्यूट करते हैं। ऑन इंडिपेंडेंस डे यानी कि स्वतंत्रता दिवस पर द प्राइम मिनिस्टर जो होता है हमारा प्रधानमंत्री नेशनल फ्लैग को होस्ट करता है रेड फोर्ट पर लाल किले पर और एड्रेस द नेशन। और ऑन गांधी जयंती गांधी जयंती के दिन द लीडर्स ऑफ द नेशन राष्ट्र के सभी नेता पे देयर होमेज टू महात्मा गांधी एट हिज समाधि एट राजघाट। राजघाट जो कि महात्मा गांधी की समाधि वहाँ पर जाकर होमेज करते हैं प्रार्थना सभा करते हैं। सम अदर इम्पोर्टेंट फेस्टिवल और भी दूसरे जो महत्वपूर्ण फेस्टिवल है जैसे कि दिवाली ईद होली गुरु नानक बर्थडे ये सारे यहाँ पर और क्रिसमस भी यहाँ पर मनाया जाता है। थैंक यू चिल्ड्रंस आवर लेसन इज complete।